हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं बालों में ऑयल लगाऊंगी। ये मैंने पहले से ही थोड़ा सा लगाया था, सर में दर्द था रात में, और अब मैं ऑयल लगाऊंगी। किस तरीके से लगाना है ये मैं आपको बताऊंगी। कॉटन से लगाएंगे, इससे हमारे बालों में अच्छी तरीके से ऑयल पहुंच जाएगा। और हमने ये कौन कौन से तेल लिए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस तेल से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इससे आपके बाल जो बहुत रफ़ हो गए होंगे, काफ़ी डैमेज होंगे, वो अच्छे होंगे। इससे बाल सिल्की होंगे, मुलायम होंगे। और ये मैं यूज करती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ कि इसका बेनिफिट काफ़ी अच्छा है। मैं लगा रही थी, अभी खाली थी, तो मैंने कहा लाओ वीडियो ही बना दूँ, आप लोग भी जो है इसको यूज़ करें, आप लोग को भी इसके फ़ायदे मिले। तो मैंने जो ऑयल लिया है उसमें है कोकोनट ऑयल 2 चम्मच, जोजोबा ऑयल 2 चम्मच, और आलमंड ऑयल 2 चम्मच, और जो है उसमें क्या था, एक और ऑयल है, जैतून का तेल। इन चारों तेलों को मिला के 2-2 चम्मच लेना है, मिक्स करके थोड़ा सा गरम कर लेना है, कुनकुना करना है। हमें तवा रखना है, तवा का गरम करना है, उस पर कटोरी रखनी है। जब वो गरम हो जाए तब हमें डायरेक्ट गैस पे नहीं रखना है तेल को। और उसके बाद फिर हमें जो है अच्छी तरीके से, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, इसी तरीके से लगा लीजिए। बालों की जड़ों में अच्छे से लगाइए, फिर नीचे तक पूरा ले आइए। और खूब अच्छे से तेल लगाइए। और ये तेल काफ़ी अच्छे हैं, यानी कि बहुत ही अच्छा है। इसको लगाने के आधे घंटे बाद जब वॉश करेंगे तो आपके बाल काफ़ी मुलायम, जो रफ़ हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं एक बार में ही। और फिर अगर आप 1 महीने तक इसको रेगुलर यूज करते हैं तो आपके बाल काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप वीडियो में देख रहे हैं जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, इस तरीके से आप मसाज करिए। इससे काफ़ी सर को भी काफ़ी आराम मिलता है, दिमाग काफ़ी रिलैक्स हो जाता है, सर में दर्द रहता है वो भी कम हो जाता है। उंगलियों के पोरों से करनी है आपको मसाज। आप मसाज को 5 से 7 मिनट, 10 मिनट कर सकते हैं। थोड़े बहुत बाल भी निकलते हैं, तो जो ऑयल लगाते समय निकल जाते हैं तो धुलते समय नहीं निकलते हैं। इससे बाल भी काफ़ी कम हो जाते हैं, जिनके बाल झड़ रहे हैं काफ़ी हद तक बाल ठीक हो जाते हैं, झड़ना बंद हो जाता है। अपने बालों में जब भी ऑयल लगाइए तो थोड़ा उसे मसाज दीजिए अच्छी तरीके से, ताकि बालों में एब्जॉर्ब हो जाए, जो उसका काम है वो अच्छी तरीके से करे। हमने देखा है बहुत लोगों को लगाया और छोड़ दिया। वो तेल क्या होता है कि बिस्तर में लगेगा, कहीं भी जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे वहाँ लगता है, और वो अच्छे से बालों में सोख नहीं पाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि जब भी आप ऑयल लगाएं तो मसाज अच्छी तरीके से दें, 7 से 10 मिनट दें। इससे बालों में अच्छी तरीके से तेल एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप पीछे भी लगाइए अच्छी तरीके से, हर जगह बालों की जड़ों में खूब अच्छे से ऑयल लगा होना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो पानी थोड़ा सा गर्म कर लें, उसमें टॉवल डाल के पानी निचोड़ के आप अपने बालों में उससे ढक सकते हैं। इससे आपके बालों में स्टीम भी मिल जाएगी।
जितनी गंदगी है आपके सर में जो रूसी वगैरह होती हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो अब 10 से 15 मिनट हो चुका है, मैंने 15 काफ़ी ज़्यादा टाइम मैं मसाज करती हूँ अपने बालों में, और अब मैं टॉवल से इसको ढक ले रही हूँ। आधे घंटे बाद मैं इसको सर को वॉश कर लूँगी। तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में, और आप लोग अपना ख्याल रखिए। अभी टाइम है तो जो ब्यूटी टिप्स हम दे रहे हैं आप उसको फॉलो करिए, अपनी स्किन, बालों और स्वास्थ्य को अच्छा रखिए। बाय।